हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आपको तो पता ही होगा कि इसरो ने चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करवा दी है, लेकिन क्या आप मून मिशन की जर्नी को जानते हैं कि इसरो ने चंद्रमा पर स्टडी करना कब शुरू किया? इसरो चांद पर 3 मिशन कर चुका है, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3। आज हम इन्हीं 3 मिशन के बारे में जानेंगे और इनके बारे में हमें बताएगा कृष्णा। तो चले मिलते हैं कृष्णा से। हाय, मैं हूँ इन्फॉर्म यू का नया साथी, मेरा नाम कृष्णा है। चलो दोस्तों, चंद्रयान के बारे में जानते हैं। नवंबर 2003 को भारत सरकार ने पहली बार भारतीय मून मिशन के लिए इसरो के चंद्रयान 1 को मंजूरी दी थी। इसके करीब 5 साल बाद भारत ने 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान मिशन लॉन्च किया। चंद्रयान 1 चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PLV-C11 का उपयोग करके लॉन्च किया गया था। उपग्रह ने चंद्रमा के चारों ओर 3400 से अधिक परिक्रमाएं की। वर्टिकल बार चंद्रयान ने चांद पर पानी की मौजूदगी का पता लगाकर इस सदी की महत्वपूर्ण खोज की है। इसरो के अनुसार चांद पर पानी समुद्र, झरने, तालाब या बूंदों के रूप में नहीं बल्कि खनिज और चट्टानों की सतह पर मौजूद है। चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी पूर्व में लगाए गए अनुमानों से कहीं ज्यादा है। 14 नवंबर 2008 को चंद्रयान 1 का मून इंपैक्टर प्रोब चंद्रमा की सतह पर उतरा। MIP योजना के अनुसार चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास एक बिंदु पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसे जवाहर स्थल या जवाहर पॉइंट नाम दिया गया था। यह भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सम्मान में आया था और इसी दिन उनका जन्मदिन भी था। यानी इसरो का पहला मिशन सक्सेसफुल था, तो दूसरे में क्या गड़बड़ी हुई? चंद्रयान 2 के बारे में शुरू से बताओगे? 22 जुलाई 2019 को 2:43 पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC श्रीहरिकोटा से GSLV Mark 3 एमवॉच द्वारा चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 लैंडर का उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग और रोबोटिक रोवर संचालित करने की क्षमता प्रदर्शित करना था। चंद्र स्थलाकृति टोपोग्राफिक खनिज विज्ञान, तात्विक प्रचुरता, चंद्र बहिर्मंडल एक्सोस्फियर और हाइड्रोक्सिल और जल से बनी बर्फ के निशानों का अध्ययन करना था। पिछली बार चंद्रयान 2 की लैंडिंग के दौरान विक्रम लैंडर अपने रास्ते से टर्मिनल डिसेंट फेज से लगभग 3 मिनट पहले अपने रास्ते से भटक गया था। लैंडर को 55 डिग्री पर घूमना था, लेकिन यह 410 डिग्री से अधिक पर घूम गया और यह चांद की सतह से टकरा गया। ओ अच्छा, कृष्णा, चंद्रयान 2 मिशन फेल होने के बाद इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के ऊपर काम करना शुरू कर दिया था, तुम इसके बारे में डिटेल में बताओगे? चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग 14 जुलाई 2023 को 2:35 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से LVM-3 रॉकेट से की गई। चंद्रयान 3 लॉन्च से लैंडिंग की टाइमलाइन 15 जुलाई 2023। इसरो ने अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की ओर बढ़ाने वाली पहली प्रक्रिया अर्थ बाउंड फायरिंग 1 पूरी की। 1 अगस्त 2023, चंद्रयान 3 को पृथ्वी की कक्षा से निकालकर चंद्रमा की कक्षा की ओर बढ़ाया। 5 अगस्त 2023, यान चंद्रमा की पहली 40,000 किलोमीटर वाले कक्षा में प्रवेश किया और चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त 2023 की शाम 6:27 पर चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 मिशन का उद्देश्य चंद्रयान 2 का अनुवर्ती फॉलोनन मिशन है। इसका प्राथमिक उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन करना है। सोमनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस अभियान की अहम जानकारियां साझा की हैं। चंद्रयान 3 अभियान का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर पहुंच गया है। इस लैंडर में रोवर भी है जो चंद्रमा का अध्ययन करेगा। इस रोवर का नाम प्रज्ञान है। डॉक्टर एस सोमनाथ, इसरो अध्यक्ष भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ का चंद्रयान 3 में सबसे अहम योगदान रहा है। इन्हीं के नेतृत्व में चंद्रयान 3 मिशन आगे बढ़ा है। हमें गर्व है हमारे देश पर
और इसरो के साइंटिस्टों पर जो चंद्रमा की ऐसी सतह पर लैंड करवाया जहां आज तक कोई नहीं पहुंच सका और इंडिया ने यह करके दिखाया। तो ये थी मून मिशन की जर्नी। चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल होने के बाद इसरो के प्रमुख ने कहा कि अब हम तुरंत आदित्य L1 परियोजना शुरू करेंगे जो हमारा सूर्य मिशन होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।